जो खास करके जो रेशम जो विभाग में जो भी काम होता है उसमें हम समझते हैं कि फीड, ब्रीड और सीड, भले अंग्रेजी का है, ये बहुत, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो बीज जो है, क्योंकि ये बीज उत्पादन से ही पूरा जो कोसा का उत्पादन हो सकता है, उसका गुणवत्ता हो सकता है, उसमें दागाकरण हो सकता है। सबसे ज़्यादा ये जो जनरेशन कंटिन्यू करने का जो है, ये जो बीज उत्पादन बढ़िया रहने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी बीज उत्पादन में तसर खास करके, इसमें तीन विभिन्न बीज का उत्पादन हुआ करता है। एक है न्यूक्लियर सीड, दूसरा बेसिक सीड, तीसरा कमर्शियल सीड। ये जब तक ये जो न्यूक्लियर सीड सही से नहीं बनेगा, आगे का बेसिक सीड नहीं बन सकता है, और बेसिक सीड नहीं होगा तो जो कमर्शियल सीड, जिससे जो हमारा किसान भाइयों का जो कोसा उत्पादन होता है, जिससे उनका आमदनी और जो सोशल स्टेटस बढ़ता है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए जो बीज उत्पादन बहुत ही आवश्यकता है, और इसमें गुणवत्ता का प्रमुख पात्र है। झारखंड राज्य में तीनों स्तर से बीज उत्पादन होता है। एक है केंद्रीय रेशम बोर्ड का बेसिक सीड मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है, ये तीन जगह है। एक है करसवा, एक है मधुपुर और खाटीकुंड, मतलब दोनों संताल परगना और कोलान रीजन में है। ये हुआ केंद्रीय रेशम बोर्ड का। और जो राज्य सरकार का जो 28 PPCs है दोनों पूरा जो राज्य में सभी तरह, और इसके साथ साथ जो केंद्रीय रेशम बोर्ड NGOs के माध्यम से जैसा काम करता है, और JSLPS का भी जो ये बीज उत्पादन क्षेत्र में है, जो ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के साथ मिलके न्यूक्लियर सीड बेसिक सीड भी बनाता है जो कमर्शियल सीड के अलावा। किसान भाई लोग जो मेनली दो चीज़ों में जुड़े हुए बीज उत्पादन में, एक है अभी आने वाला जो आता है जो बेसिक सीड, उसको किसान जो बीज किसान बोला जाता है, वो जो बीज किसान जो बेसिक सीड ट्रेडिंग करते हैं, जो बेसिक बीज कोर्स जो बोला जाता है, उससे जो कमर्शियल सीड बनता है। इसके लिए अभी क्योंकि न्यूक्लियर सीड ट्रेडिंग जो हो चुका है, अभी पूरा जो ग्रेनेज हॉल में उसका जो हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सफाई, और अभी जो बहुत गर्मी है इस बार क्योंकि क्लाइमेट चेंज के वजह से हमारा जो तितली निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है उसमें, और नर और मद तितली दोनों एक साथ निकलना है, ये इसमें थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन का इशू होता है। इसको हमें जो हाइजीन और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके साफ सफाई ठीक से करके और पिपरिन का जांच करके समय समय से ये करने से सही बीज उत्पादन।